नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने हिस्ट्री में इल्तुतमिश तक पढ़ लिया था। पूरा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गया था कुतुबद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। उससे पहले मैंने पूरा दिल्ली सल्तनत का बैकग्राउंड आपको बता दिया हूँ कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, कैसे गुलाम वंश की स्थापना हुई। तो आप सभी लोग, जो लोग नहीं देखे हो हिस्ट्री के लेक्चर, वो प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, तभी आपको पूरा इंटरकनेक्ट जो है ये सब चीज़ें समझ में आएगी। तो आज हम जो इल्तुतमिश का राज्य था 25 से 26 सालों तक का, उसको समाप्त होता है, उसके बाद से रजिया जो है सुल्तान बनती हैं। तो उनके बारे में देखेंगे कि क्या रजिया से पहले कौन आता है और कितने दिन तक रहता है, और रजिया फिर अपना कैसे वो सफल शासन शासक बनती हैं या नहीं बनती हैं। क्योंकि समझ सकते हो आप कि आज की स्थिति में भी आपका ये जो देश है वो कौन सा पुरुष प्रधान देश है, उसमें भी आप आज के कई साल पीछे चले जाइए और उस समय कोई महिला शासक बने तो एक बड़ी बात होती है, और वो भी मुस्लिम साम्राज्य में, मुस्लिम समाज में, जिसमें आपका आज भी कई देशों में आप देखोगे जो मुस्लिम समाज है वहाँ पे लोगों को बाहर निकलना बुर्का पहन के ही निकलने देते हैं। तो उस समाज में कोई ये इन सब चीज़ों को त्याग करके और शासक बनता है, आपका सुल्तान बनता है, तो वो उस समय की बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो आज हम बात करेंगे उसी पे, सेशन स्टार्ट करेंगे रजिया सुल्तान से। उससे पहले हम देख लेते हैं 10+ कोर्स के तहत आपको ये पूरे लेक्चर दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको सभी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आप इन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 3 मंथ का पीडीएफ सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा, जो हमारे आप परीक्षा प्लस ऐप से सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम सेशन पे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे आज रजिया सुल्तान के बारे में, जिनका समय काल था 1236 से लेकर 1240, बहुत ज़्यादा दिनों तक ये जो इनका समय काल नहीं था, 3 से 4 साल तक का था। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब इल्तुतमिश कहाँ ग्वालियर पर अटैक करते हैं, उसी समय ये इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। अब क्यों करते हैं ये भी ज़रूरी है जानना आपको, क्योंकि रजिया जो है बचपन से ही बहुत, मतलब उसके अंदर लड़कियों से कम लड़कों की गुड़ ज़्यादा थे। वो बचपन से ही जो लड़के करते थे, घुड़सवारी, युद्ध, शिक्षा, सब शिक्षा उसने प्राप्त कर लिया था। तो जब 31 की बात आती है, जब इल्तुतमिश साहब का ग्वालियर पे अटैक करने जाता है, उसी समय ये अपने राज दिल्ली का जो काम काज है वो रजिया के हाथों में दे देता है। और जब वहाँ से जीत के आता है ग्वालियर से, तो देखता है रजिया ने अपने काम को काफ़ी अच्छे बेहतरीन तरीके से निभाया है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चलाया है। इससे ही से खुश होकर रजिया को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, क्योंकि उसके नज़र में उससे बेहतर कोई नहीं था उस समय तक, क्योंकि उसका बड़ा पुत्र जो है मर चुका था। मैंने बताया था आपको 29 में उसकी बंगाल में मृत्यु हो जाती है। तो अब रुकनुद्दीन एक बसता है, मगर वो निठल्ला रहता है, कह सकते हो तो निठल्ला रहता है। तो इसको लगता है कि इससे तो कुछ होगा नहीं रहा, काम काज ये कर नहीं पाएगा, तो इसीलिए इसको उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की, तो समस्या ये खड़ा हो जाती है कि जो इसने कैबिनेट बनाया था 40 लोगों का, चालीसा का जो दल बनाया था, अब वो लोग अपोज करने लगते हैं कि भैया जो है महिला शासक नहीं बन सकती है, महिला हमारे ऊपर शासक नहीं कर सकती है, उनका जो पुत्र है रुकनुद्दीन उन्हीं को शासक बनाया जाए। तो कुछ उसमें से जो तुर्क सरदार थे चालीसा में से, जो इनके सपोर्ट में होते हैं, और कुछ लोग रुकनुद्दीन के सपोर्ट में होते हैं। तो ऐसा ही होता है जब लोगों को मंजूर नहीं होता है, क्योंकि अब वो जो चालीसा आपके जो कैबिनेट बनी थी 40 लोगों की, वो समझ लो किंग मेकर का काम इल्तुतमिश के मरने के बाद करने लगती है। तो रुकनुद्दीन को वहाँ का सुल्तान बना दिया जाता है, 6 से 7 महीना तक रहता है, मगर उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इतना वीक होता है, वो अपने ही ऐसो में खोया रहता है, अपने ऐसावास में ही पूरा समय निकाल देता है, जनता पे उसका कोई ध्यान नहीं रहता है, तो जनता उससे नाखुश रहती है। तो ये सब देखते हुए उसकी माँ जो थी, ठीक वो अपना कुछ दिनों के लिए गद्दी पर बैठती है, उससे भी मैनेज नहीं कर पाती है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। तो बाद में क्या होता है कि रजिया जो है जनता के सामने लाल कपड़ा पहनकर पहुंच जाती है, क्योंकि लाल कपड़ा आपका बोल सकते हो उस समय इल्तुतमिश के समय जो ये न्याय मांगने वाला जो था, आपसे मैं बताया था कि घंटा बजा के न्याय मांगते थे लोग, तो उस समय जो लोग लाल कपड़ा पहन के सुल्तान के सामने हाजिर होते थे उनको न्याय मिलता था। तो रजिया ने लाल कपड़ा पहन के जनता के सामने गई और बोली कि मुझे न्याय चाहिए, क्या मेरा हक नहीं है इस पे सुल्तान बनने का? ठीक,
तो वहाँ की जनता उससे काफी बचपन से ही उससे प्यार करती थी जनता। तो बाद में पता चला तो उसने क्या किया, रजिया का साथ दिया जनता ने, और रजिया का जैसे साथ दिया जनता ने और उसने तुरंत क्या किया, सत्ता पलट दिया, रुकनुद्दीन की हत्या करा दी। बोला जाता है, कई इतिहासकार बोलते हैं कि रजिया ने ही मिलकर तुर्क सरदारों के साथ मिलकर उसकी हत्या करा दी। अब यहाँ से शुरू होता है रजिया का सल्तनत काल। ठीक है, तो 36 से लेकर 40 तक इनका काल था। धीरे धीरे अब रजिया का भी अपोज होने लगता है, कुछ लोग तो सपोर्ट में रहते ही हैं इनके तुर्क सरदार, मगर कुछ लोग जो हैं इनके अपोज में खड़ा होने लगते हैं कि हम महिला के शासन में शासक के अंदर रहेंगे, ये तो हो नहीं सकता। और उसमें खासकर आपके कौन रहते हैं, जो चालीसा वाले 40 तुर्क रहते हैं, अमीर रहते हैं, वही रहते हैं। तो भाई उनका जो ईगो पावर आ जाता है मेन वाला ना, वो उनके सामने आ जाता है। इसलिए वो लोग धीरे 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 जो है हर जगह विद्रोह पैदा होना, सबको ये खटकने लगता है कि हम महिला शासक के अंतर्गत नहीं रहेंगे। ठीक, तो रजिया को भी पता चलने लगता है कि भैया ये लोग हमारे सपोर्ट में नहीं है, तो हमें अपने सपोर्ट के लिए कुछ लोगों को रखना पड़ेगा। अब वो क्या करती, जो उनके चहेते थे उनको अच्छे अच्छे पोस्ट देने लगती है। ठीक, उसके बाद से उसी समय रजिया कई मतलब कई मायने में हर मायने में बहुत अच्छा काम की थी अपने शासनकाल में। रजिया ने विद्यालय बनवाया था, लाइब्रेरियाँ बनवाई थी, मदरसे बनवाए थे, लोगों की शिक्षा पर ध्यान दिया था। बोला जाता है, इतिहासकार बोलते हैं, जो रजिया जो थी इसकी जो दृष्टि थी वो इंटॉलरेंस की दृष्टि नहीं थी। आप बोल सकते हो हिंदू और मुस्लिम को सबको ये एक ही नज़रिए से देखती थी। ठीक है, इसीलिए इसके शासनकाल में जनता तो खुश रहती थी, मगर इसके शासनकाल में जो इसके अमीर तुर्क थे जो सुल्तान बनाने का काम करते थे, उन्हें ये चीज़ें हजम नहीं होती थी कि भैया हम लोग सरदार के साथ थे और ये बन गई हैं। बन क्यों गए, क्योंकि भाई ये वंशानुगत पद हो गया था, इसलिए सुल्तान यह बनना पड़ा, कोई और रहा नहीं रुकनुद्दीन के बाद। तो धीरे धीरे क्या होता है, हर जगह विद्रोह पैदा होने लगता है, उस विद्रोह को भी दबाती है। राजस्थान में रणथंभौर में विद्रोह होता है, उसे भी ये दबा देती है। कहा जाता है कि एक इथोपिया का दास था, अब्सिनिया जगह पड़ता है इथोपिया में, वहीं का एक दास था जिसका नाम था याकूत। ठीक, वो उसको इसने क्या कर दिया था, अपने जो राज व्यवस्था था उसमें इसने उसको अच्छा पोस्ट दे दिया था, अमीर आखुर का पोस्ट दे दिया था, जो आपका अश्वशाला होता था उसका जो है अध्यक्ष बना दिया था। इससे जो तुर्क सरदार थे वो नाराज हो गए थे कि भैया ये तो अपने जात का भी नहीं है और इसे आपने एक पोस्ट अच्छा खासा आपने उसमें दे दिया है। और कुछ लोगों का कहना है कि जो याकूत था और रजिया थी, रजिया जो है याकूत से एक तरफा लव अफेयर में थी, ये कुछ लोगों का मानना है। और इसी बात को इसका एक बचपन का दोस्त है, उसे भी लगने लगता है कि रजिया जो है याकूत के फेवर में है, याकूत से उसका प्रेम संबंध है। तो उसका एक बचपन का दोस्त रहता है, बचपन का क्रस भी मान सकते हो, अल्तुनिया बचपन से ही रजिया पर क्रस करता रहता है। तो अल्तुनिया जब भटिंडा का गवर्नर नियुक्त होता है, रजिया करती है उसे एकता एक तरह से नियुक्त करती है, तो उस समय तो तब तो ठीक रहता है क्योंकि वो उसके सपोर्टर ही रहते हैं रजिया के, क्योंकि बचपन का दोस्त रहता है। मगर जैसे ही याकूत आता है और याकूत से उसके बीच की नज़दीकियाँ देखता है अल्तुनिया, तो उसे भी लग जाता है कि भैया बाजी तो याकूत मार के लेके चला जाएगा। फिर बाद में ऐसे ही क्या होता है कि लाहौर में कबीर खान नाम का एक व्यक्ति रहता है, जो उसका इक्तदार रहता है, वो क्या करता है, विद्रोह पैदा कर देता है। जैसे वहाँ विद्रोह पैदा होता है, वैसे भटिंडा का जो गवर्नर आपका अल्तुनिया है, वो भी विद्रोह पैदा कर देता है। ठीक, तो इसी तरह से जो आपके जो ये 40 सरदारों का जो गुट था, ये लोग इस विद्रोह को पैदा जानबूझ कर कराते थे कि ये विद्रोह हो और रजिया को इसी विद्रोह में मरा दिया जाए और सुल्तान को बदल दिया जाए, तख्ता पलट कर दिया जाए। और होता यही है, सैन्य व्यवस्था में जो सैनिक थे, जो नायब थे, जो आपके वजीर थे, वही लोग इनके सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक, उसी तरह इनका एक वजीर रहता है, वो इनके खिलाफ षड्यंत्र करता है, इसीलिए वो वजीर जो है हर जगह क्या करता है, विद्रोह पैदा कराता है। और इसी विद्रोह को शांत करने रजिया जब निकलती हैं, तो लाहौर का विद्रोह तो शांत हो जाता है, उसको तो खुद ही बुला के दरबार में उसे मार देती हैं। और जैसे ही मार देती हैं रजिया सुल्तान उसको, लाहौर जो विद्रोह आपका हुआ था, जिसने किया था जो इक्तदार ने, तो चालीसा जो होते हैं उनको ये लग जाता है कि भैया अब ये सर के ऊपर से जा रहा है इसका जो कामकाज है। तब अल्तुनिया से वो लोग
40 जो तुर्क होते हैं वो लोग संपर्क करते हैं उनके गुट के लोग कि अल्तुनिया आप इन्हें संभालो, नहीं तो ऐसा रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अल्तुनिया विद्रोह कर देता है पंजाब में और उसी को ये दबाने के लिए पंजाब जाती हैं और वहीं याकूत के साथ जाती हैं। वहीं याकूत मारा जाता है और रजिया जो है हार जाती है उस युद्ध में भटिंडा में। तो अल्तुनिया इनको कैद कर लेता है। भाई प्यार तो प्यार बचपन का इसका अल्तुनिया का रजिया के साथ। कहा जाता है कई इतिहासकार, मतलब कई लोग कहते हैं, कई लेखकों में मिला है कि जो उसे कैद करके रखता है तो उसे अच्छा खासा शाही व्यवस्था करके रखता है। ऐसा नहीं कि जेलों में जैसे कैदियों को रखते हैं, वैसा नहीं था। बचपन का प्यार था भाई, तो ऐसा तो काम करेगा ही करेगा। बाद में रजिया भी समझ जाती है कि अब मेरा अकेले से कुछ नहीं होगा। वहाँ पर दिल्ली में क्या हो जाता है, क्योंकि ये पंजाब की बात है, और दिल्ली में क्या होता है, जो आपके तुर्क होते हैं 40 वाले चालीसा के, वो लोग मिलकर बहराम शाह को सुल्तान घोषित कर देते हैं। अब रजिया को यह पता चल जाता है और रजिया क्या करती है, अल्तुनिया से कहती है अच्छा ठीक है आप मुझसे शादी कर लो और चल के दोनों लोग दिल्ली पे आक्रमण करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है दिल्ली का सत्ता हमारे हमें चाहिए। वो भी राजी हो जाता है, ठीक है बचपन का प्यार मिल जाएगा, कौन नहीं राजी हो जाएगा। तो वो भी तैयार हो जाता है और दोनों लोग किधर दिल्ली की तरफ कूच कर देते हैं। वहाँ पे फिर बहराम शाह और रजिया के जो सैनिक होते हैं उनके बीच में लड़ाई होती है और ये दोनों इनके जो सैनिक होते हैं हार जाते हैं। और हार के जब वापस भागते हैं ये लोग, तो उसी समय कैथल, हरियाणा का एक जगह है कैथल, वहीं पे बोला जाता है कि कुछ डाकुओं ने मिलकर इनकी हत्या कर दी, या जो है अल्तुनिया और किसकी, रजिया सुल्तान की। और यहीं से रजिया सुल्तान का जो है चैप्टर आपका क्लोज हो जाता है और बहराम शाह जो है आपका दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है। वो सिर्फ बैठता है, बाकी तो खेल किसका रहता है, चालीसा का होता है। चलो आज से हम आ जाते हैं कहाँ, रजिया के पतन के बारे में कुछ इतिहासकार जो कहते हैं उसके बारे में देख लें कि कुछ लोगों का ये कहना है भाई, कुछ लोग इसके बोलते हैं कि इसके सफल ना होने का कारण क्या था। एक तो महिला होना, यही सबसे बड़ा कारण भी होता है, मेन तो यही कारण है कि इसके सफल शासक ना होने का मेन कारण क्या था, कि ये महिला थी और पुरुष प्रधान देश में महिला का शासक होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसीलिए ये सफल शासिका नहीं हो पाई। किसके तहत, एल्फिस्टन के अनुसार बोला जाता है कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। ये कौन बोला था, एल्फिस्टन ने बोला था, ठीक। और दूसरा क्या कारण था कि रजिया का सुल्ताना जो है उसका जो साम्राज्य था ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि उसमें जो 40 आपके जो कैबिनेट बना के गया था इल्तुतमिश, उनकी महत्वाकांक्षा, ठीक, इसके वजह से इनका जो साम्राज्य था जल्दी ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं कहाँ पे, बहराम शाह पे आते हैं। बहराम शाह के बारे में बात करेंगे, इनका बहुत छोटा छोटा रोल है, देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इन लोगों का रोल नहीं है। बलबन का जो रोल है, हम बलबन के बारे में बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे। बहराम शाह के बारे में देख लेते हैं, ये कौन था भाई, उन्हीं का ब्रदर था, रजिया का ब्रदर था। तो ये बनते हैं और बनने के बाद इस पे क्या करते हैं, जो आपके तुर्क अमीर होते हैं, जो चालीसा के जो सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं इनको, इनकी ये ज़्यादा छटके ना, क्योंकि शासक जब ये अपना सुल्तान बन जाएंगे तो ये इनके हाथ में सब कुछ हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है कि चालीसा को ख़त्म ही कर दें, तो चालीसा का रोल ही क्या रह जाए। तो चालीसा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करती है, एक पोस्ट जनरेट करती है। उस पोस्ट को क्या कहते हैं, नायब ए ममलिकात कहते हैं, ठीक है। ये पोस्ट क्या होता है, इसके तहत कि ये सुल्तान के साथ रहेगा और मैक्सिमम पावर सुल्तान की इसके अंदर रहेगी, मतलब सुल्तान सिर्फ एक नाम मात्र रहेगा, क्योंकि ये किंग मेकर यहाँ से काम करने लगते हैं, जो आपके चालीसा होते हैं वो किंग मेकर का काम करने लगते हैं। तो यही ये पोस्ट जनरेट करते हैं, नायब ए ममलिकात। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नायब ए ममलिकात जो था किसके शासन काल में जनरेट किया गया था, कौन सा पोस्ट था। तो इसके तहत ये पोस्ट कैसा था कि इस पद के अधिकारी के पास सुल्तान के सभी शक्तियां होती थी, ठीक है। सुल्तान कम अधिकारों को कम करने के लिए तुर्क सरदारों ने इस पद का सृजन किया था, ठीक, उसके अधिकार कम हो जाए ताकि वो ज्यादा अपना हुकूमत ना कर सके, ठीक। तो इसी वजह से क्या होता है कि इस पोस्ट पे पहली बार एक एतिगिन नाम का जनरल होता है, उसे पोस्ट किया जाता है, ठीक है। एतिगिन नाम के जनरल को इस पोस्ट पे रखा जाता है। वो एतिगिन क्या करता है, भाई पोस्ट का तो पावरफुल पोस्ट था ही, धीरे धीरे वो सुल्तान से भी ऊपर पावर रखने लगता है। वो अपनी बिटिया सुल्तान की जो बहन थी
उससे शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद अपने दरबार में एतगिन जो है हाथी, ठीक है, घोड़े, हर चीज, पूरा एक सैन्य व्यवस्था अलग से ही बना लेता है। जब सुल्तान को यह पता चलता है कि ये सब चीजें तो एक सुल्तान करता है, और ये एतगिन क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई मैक्सिमम पावर उसके पास थी और सलीसा का सपोर्ट भी था उसे, तो सुल्तान को खटकने लगती है बात। तो जो इसके फेवर में थे चालीसा में से जो अमीर तुर्क थे, उनको कहता है कि भैया एतगिन को खत्म कर डालो, और एतगिन को खत्म कर दिया जाता है। और उस पोस्ट की जो शक्तियां होती हैं वो तब सुल्तान किसी और को नियुक्त करता है, एक पोस्ट होता है अमीर ए हाजिब, उसी पे बदरुद्दीन शंकर रूमी खां को क्या करता है, नियुक्त करता है, और नायब का जो पोस्ट था ये वाला जिसपे एतगिन था वो भी पावर इसी को दे देता है। अब ये भी क्या करते हैं कि चालीसों के बहकावे में आ जाते हैं, चालीसे इन्हें क्या करते हैं, कहते हैं भैया देखो तुम हमारा साथ दो, बहुत मौज में रहोगे, ठीक। तो क्या करता है, ये भी अपना रुख बदल लेता है, सुल्तान का साथ नहीं देता है, और सुल्तान को ही मारने में षड्यंत्र करने लगता है। और जब इसके भी षड्यंत्र का पता चलता है तो सुल्तान इसका भी सफाया कर देता है। फिर बाद में जैसे ये चालीसा को यह सब खबर पड़ती है कि भैया सुल्तान को जैसा हम लोग समझ रहे थे कि कठपुतली है, ऐसा वो है नहीं, हकीकत में बहुत चालाक है, हमारे वजह से सुल्तान तो बन गया मगर अब वो हमें ही जीने नहीं देगा, ऐसा लग रहा है। उसी समय की बात है, 41 की बात है, आपका मंगोल आक्रमण होता है पंजाब के पास में, ठीक है, कौन करता है भाई, देख लो, तैर बहादुर के नेतृत्व में मंगोल का आक्रमण होता है पंजाब में, और उसी पंजाब में जो आक्रमण होता है उसको शांत कराने के लिए सुल्तान जो है सेना भेजता है यहाँ से दिल्ली से कि भैया जाओ उस आक्रमण को शांत कराओ। तो जो सेना को लेके इकतदार जाता है वो बीच में ही सेना को भड़का देता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम तो आपके कौन थे, 40 जो आपके तुर्क थे उन्हीं में से ही कहीं ना सबको कहीं ना कहीं कोई पोस्ट मिली रहती है। वो सेना को भड़का देता है कि ऐसा है कि जो बोला है सुल्तान ने कि एक समय आएगा कि सभी को जो तुम लोग हो सबका जो है खात्मा कर दिया जाएगा, और सिर्फ उसी के जो बचे रहेंगे उसके सपोर्टर वही रह जाएंगे, यही सुल्तान के खिलाफ भड़का दिया जाता है, और सेना जो है भड़क जाती है चालीसा में, और आग भड़क जाता है जो तुर्क सरदार होते हैं, और वो क्या करती है 1241 में दिल्ली में हमला कर देती है, और उनको भरमसा का जो होता है समय जो है खत्म हो जाता है। तो ऐसे उनका भी समय खत्म हो जाता है। तो अब आते हैं उन्हीं में से आपके गुलाम वंश के ही किसके, रुकनुद्दीन के पुत्र आते हैं, और इल्तुतमिश के पौत्र बोल सकते हो, जिनका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। 1242 से लेकर चार साल तक ये राज करते हैं, 1246 तक ये राज करते हैं। इनका भी कोई खासा रोल नहीं रहता है, इन्हीं के शासनकाल में जो है बलबन जो है पनकता है। अब बलबन भी क्या था, 40 जो तुर्क थे उन्हीं में से एक था बलबन भी, इसीलिए जब बलबन अपना साम्राज्य बनाता है, अपना बलबन का जब समय काल शुरू होता है तो पहला काम वही करता है कि क्या चालीसा को ही खत्म कर देता है, कि जहां से वो जन्मा होता है उसी को खत्म कर देता है, ठीक, कि ये हमारे बाद किसी और को जनरेट ना कर पाए। तो यहीं से बलबन अपना शुरू करता है कामकाज, और यहीं से यहाँ पे कौन सा पद करता है, अमीर हाजिब का पद पर नियुक्त होता है। ऐसे ही इसके पास समस्त, क्योंकि इस समय में जब ये बनता है कौन आपका अलाउद्दीन मसूद शाह, इस समय में सभी शक्तियां किसके अंतर्गत आ जाती हैं, चालीसा के अंतर्गत आती हैं, तो इसमें सुल्तान का कोई मतलब नहीं रहता है। इसीलिए क्या होता है, जो ये वो पोस्ट था आपका नायब ए ममलिकात का जो पोस्ट था, ये काफी अच्छा पोस्ट था जिसमें मैक्सिमम सुल्तान की शक्तियां होती थी, ठीक है, सुल्तान का संरक्षक बोल सकते थे इसे, इस पोस्ट को, उस पोस्ट को एक गैर तुर्की सरदार को दे दिया जाता है, ठीक है, जो तुर्क सरदार नहीं रहता, जिसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन हसन, ठीक। तो इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जो चालीसा होते हैं वो सोचते हैं भाई एक पोस्ट उसे मिला, बाकी सभी पोस्ट तो हमारे अंतर्गत है ना, तो कुछ भी कर नहीं सकता है। ऐसे ही समय बीतता है, और एक समय में बलबन क्या करता है, बलबन वहां का कहां का हाँसी का एकता बना दिया जाता है, बलबन को हाँसी का इकतदार बना दिया जाता है, और ढेर समय बीतता रहता है, और बलबन इसका तख्ता पलट कर देता है, किसके हेल्प से, नसीरुद्दीन महमूद के हेल्प से इसका तख्ता पलट कर देता है। तो इनका खासा रोल नहीं रहता है सिर्फ, ठीक। अब आते हैं नसीरुद्दीन महमूद, इसका जो सपोर्ट करता है कौन करता है, बलबन करता है, और बलबन को भी ये बहुत चाहते रहते हैं नसीरुद्दीन महमूद, ठीक। तो यहां से
पूर्ण तरह से बोल सकते हो कि बलबन का ही एक तरह से राज्य था, बलबन ही राज करता था, सिर्फ नाम के ये थे क्योंकि ये वंशानुगत पोस्ट था आपका सुल्तान, तो जो उनके वंश से थे अभी तब तक ये राज कर रहे थे। तो जब नसीरुद्दीन महमूद बैठते हैं सुल्तान की गद्दी पे, ये भी इल्तुतमिश के आपके पोता रहते हैं, बैठते हैं तो इनको किसी से मतलब नहीं रहता है, जनता से ना ही एडमिनिस्ट्रेशन से इनसे कोई खासा मतलब नहीं होता, ये सिर्फ नाम के मात्र के बैठते हैं और सभी जितने भी सैनिक शक्ति हैं, जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी बलबन के हाथों में दे देते हैं। और इन्हीं सब चीजों को देखकर, ठीक है, इन्हीं सब चीजों को देखकर जो चालीसा होती है उसमें क्या होने लगती है कि ये भाई कैसे होने लगा कि ये इतना बड़ा पोस्ट इसको मिल गया और ये राजा की तरह ट्रीट होने लगा है। तो वो क्या करते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं और नसीरुद्दीन महमूद से कहते हैं कि ये आपका जो बलबन है ये आपको मारने की साजिश कर रहा है। ठीक, तो जब उसे पता चलता है भाई सुल्तान है कहने पे आ जाए कहा, तो उसे क्या करता है, दिल्ली से दूर भेज देता है। जब दिल्ली से दूर भेज देता है तो उसी समय एक हिंदुस्तान मुसलमानों का गुट था जो अलग रहता था, ठीक है, जैसे तुर्क मुसलमानों का गुट था वो अलग थे, हिंदुस्तान मुसलमानों का जो गुट था अलग था, अरब मुसलमानों का जो गुट था वो अलग था। तो उसके जो सरदार था उसे क्या करता है, नियुक्त कर दिया जाता है, कौन सा, नायब ममलिकात जो पोस्ट था वो पोस्ट जो है दे दिया जाता है। फिर बाद में चल के चालीसा ही उसकी हत्या कर देती है और जैसे ही चालीसा में फिर विद्रोह पैदा होने लगता है तो फिर बलबन देखता है अब यह सही समय है, चालीसा फूट रही है, खत्म हो रही है, और वो क्या करता है, जो दिल्ली से दूर भेजा गया होता है वो वापस चला आता है और फिर से नायब ममलिकात के पोस्ट पे आ जाता है और सभी शक्तियां उसके अंतर्गत आ जाती है और सुल्तान जान जाता है कि ये लोग बलबन के खिलाफ साजिश कर रहे थे। और बलबन भी क्या करता है, अपनी बिटिया का ब्याह सुल्तान से कर देता है, किससे, नसीरुद्दीन महमूद से, तो और भी उनके बीच में क्लोजनेस आ जाती है। और इसी क्लोजनेस के कारण क्या करता है, नसीरुद्दीन महमूद जो है उनको एक उपाधि देता है, उलुक खां की उपाधि देता है, उसी लिए बलबन को उलुक खां भी बोला जाता था। ठीक, तो उलुक खां की उपाधि देता है और धीरे धीरे ये क्या करता है, पूरा का पूरा सैन्य शक्ति इसके हाथ में आ जाता है। ठीक, और वो तख्ता पूरा इनका पलट देता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बलबन ही किसका, नसीरुद्दीन महमूद शाह का हत्या कराया था, और कुछ मानते हैं कि उसकी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। तो जिसका जिसका ये कहना है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे इब्ने बतूता जो है ये किसके काल में, अलग के काल में आया था, एमबीटी के काल में आया था। तो उसने जब ये लिखा है, इब्ने बतूता ने जो लिखा है उसने बोला है कि बलबन ने ही सुल्तान की हत्या कर दी थी। ठीक, तो इनके अनुसार है, मगर तारीख मुबारक शाही के अनुसार जिसके लेखक सरहिंद थे वो कहते हैं कि सुल्तान की जो हत्या हुई थी वो बीमारी के कारण हुई थी। और इन्हें अब कहा जा सकता है क्योंकि ये लोग तो उसके समकालीन थे नहीं, इब्ने बतूता और ये सरहिंद दोनों जो थे वो नसीरुद्दीन महमूद शाह के समकालीन नहीं थे, ये उनके बाद में लिटरेचर लिखे तो उसमें जिक्र किए थे। आगे चलते हैं, देख लेते हैं जो इनके समकालीन लेखक थे वो क्या कहते हैं, वो भी कुछ खासा नहीं कहते हैं क्योंकि इनके जो समकालीन लेखक थे वो लिखना उससे पहले ही बंद कर चुके थे। जैसे मिनहाज उस सिराज, इसका बारे में मैंने आपको जिक्र भी किया था इल्तुतमिश के समय में, उन्होंने बताया कि इनके जो इन्होंने जो लिखा है उसमें सुल्तान की मृत्यु का वर्णन कहीं नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना जो भी लिखने करने पढ़ने का जो काम था वो 1260 तक ही कर लिया था और इनका जो समय काल था वो कब तक था, 1266 तक था। ठीक, इसलिए इनके मृत्यु का जिक्र इनमें भी नहीं मिलता है। और जियाउद्दीन बरनी जो थे ये भी इन्हीं के समकालीन थे, इनकी भी जो किताब है बरनी की, फतवा ए जहादारी नामक प्रमुख ग्रंथ में रचना में भी इनके मृत्यु के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि बरनी ने 1266 के बाद से लिखना शुरू किया था, इसीलिए इनके मृत्यु बारे में एग्जैक्ट ये नहीं पता चलता है कि इन्हें मारा गया था या इनकी बीमारी से मृत्यु हुई थी। तो ये आपका छोटे छोटे जो शासक थे, मैं जो खासा कोई रोल नहीं था मैंने आपको बता दिया रजिया के साथ साथ। अगले हम सेशन में आपको बलबन के बारे में बताएंगे, क्योंकि बलबन अब यहां से उसकी शक्तियां बढ़ी और ये बोला जाता है कि आपके जो ये सुल्तान थे नसीरुद्दीन महमूद शाह,
इनका कोई भी पुत्र नहीं था। जब पुत्र नहीं था तो मैक्सिमम शक्ति किसके पास आ गई थी, अब बलबन के हाथों में आ गई थी। तो बलबन ही अब इसके बाद सुल्तान बनेगा, और सुल्तान बनते ही वह कैसे क्रूर नीतियां अपनाता है उसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। तो जो लोग इस सेशन को देखे हैं लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।